हाय गाइस, मैं मल्लिका. मैं संध्या. आज हमने डायबिटिक अवेयरनेस और एड्स एचआईवी एड्स डे पर पार्टिसिपेट किया है, जिसका टॉपिक है डायबिटिक डे. तो गाइस, हम आपको दिखाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉल जो डायबिटिक के पेशेंट के ऊपर बेस्ड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉल. इस स्टॉल का नाम है टीम स्क्रीनिंग. इसमें है लगभग 6 मेंबर्स. तो आप जानते हैं इस टीम के बारे में. अब मल्लिका की हाइट का मेजरमेंट करने वाले हैं. तो देखिए, 5 आ रहा है. 5 फीट की. 5 फीट. हम हाथ को प्रिक करते हैं और एक खून निकालते हैं और जो हमें ग्लूकोमीटर से हमें टेस्ट होता है. देखिए किस तरीके से इसका ग्लूकोज स्क्रीनिंग हो रहा है. संतरा और एक जूस लिया है तो शायद ग्लूकोज ज़्यादा आ सकता है. 137 लोगों का नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 140 एमजी पर डी. तो मेरा है 137. तो एक ब्लड की बारी है आइडियली हमारा एक शुगर लेवल होता है. हमारे डायबिटिक पेशेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो ये है हमारे डायबिटिक पेशेंट. हम उसके डिफरेंट साइड पे इंसुलिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा आर्म्स में, पेट में और थाइस पे. अब हम चलते हैं मेरे स्टॉल में. तो लेट्स गो. तो हमने देखा था संध्या का स्टॉल. अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टॉल पे. तो ये है रंजीता का प्रिवेंशन वाला स्टॉल. तो देखते हैं इन्होंने क्या कारनामा किया है यहाँ पर. और लौकी, अंगूर, ये सब खाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए और अल्कोहल स्मोकिंग कम करना चाहिए. रेगुलर चेकअप करना चाहिए. वेट मेंटेन करके रखना चाहिए और शुगर जांच करते रहना चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन और डॉक्टर. इस मॉडल को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पीछे एक भूतनी पड़ गई है और एक साइकिल में बैठा भूत है. अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप के बाद हमारे ग्रुप में, जिसका नाम है स्वास्थ्य सेहत. ये देखिए मैं मेरा बनाया हुआ डिश. ये सब डिशेज हमने आज सुबह 4 बजे उठ के प्रिपेयर किया है. अपना नींद हराम करके हमने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है. तो लाइक शेयर तो बनता है. आपका फेवरेट चॉकलेट, एक भुना हुआ भुट्टा, नारियल तो शायद खाते होंगे. ये हमारा गेमिंग मटेरियल है जिसे खेल के सबने एंजॉयमेंट लिया है. तो दोस्तों, इस इंसान का नाम है राजेश. ये है 45 साल का और ये है 68 केजीज का और ये बता रहा है कि ये दिन में क्या क्या खाता है. ये है रंजीता जो हमारे गेम में शामिल हो चुकी है और अपना भारी भरकम थाली प्रिपेयर करने के लिए तैयार है और अभी छाटने में बिजी है ये अपने खाने के आइटम्स. सच बताओ तो यहाँ इनमें से कुछ खाती नहीं है. ये झूठ मूठ का कुछ भी छाट रही है. हॉस्टल में कुछ नहीं मिलता है सूखी रोटी और चावल के अलावा. Thank you.